कसुमटी के विधायक अनिरुद्ध सिंह ने सरकार द्वारा 17 मई को जारी की गई अधिसूचना जिसमें हर विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में 10 लाख रुपए की राशि कोविड-19 से बचाव को लेकर पंचायतों में खर्च सकता है को जल्दबाजी में जारी की गई अधिसूचना बताया है। प्रदेश सरकार द्वारा 17 मई को जारी की गई अधिसूचना के तहत सभी विधायक अपने विधानसभा क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर 10 लाख रुपए तक की राशि कोविड से बचाव के लिए आवश्यक वस्तुओं की खरीद पर खर्च कर सकते हैं। इस अधिसूचना को कसुमटी के विधायक अनिरुद्ध सिंह ने सरकार द्वारा जल्दबाजी में ली गई आधी अधूरी अधिसूचना करार दिया है। उन्होंने DC शिमला के माध्यम से सरकार से इस राशि को तुरंत जारी करने का आग्रह किया है। सरकार ने 17 मई को एक नोटिफिकेशन करी थी जिसमें विधायक जितने भी विधायक हिमाचल प्रदेश में हैं वो अपनी निधि से 10 लाख रुपए अपनी पंचायतों के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए मटेरियल्स के लिए चाहे वो ऑक्सीमीटर है थर्मल स्कैनर्स हैं मास्क हैं ग्लव हैं शील्ड है PPE किट है उसके लिए दिया उसके लिए हमारे को अलाउ करेंगे। 17 मई की चिट्ठी है हम लोग कॉन्टीन्यूसली जो है माननीय DC साहब को हालाँकि ऐसा नहीं है सारे ऑफिसर दिन रात काम कर रहे हैं पर इनके पास जो है ऊपर से नीति तो बना दी पर सेक्रेटेरिएट में मैं बोलूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से उनके पास किसी के पास नीति या दिशा है ही नहीं। नोटिफिकेशन जल्दबाजी में कर रहे हैं पहले प्लानिंग होनी चाहिए किस तरह खरीदे जाने चाहिए उसके बाद जो है नोटिफिकेशन होनी चाहिए। इमीजिएटली उन्होंने जल्दबाजी में हड़बड़ी में वाहवाही लूटने के लिए सरकार ने नोटिफिकेशन कर रहे हैं पर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है किसी के पास कोई दिशा निर्देश नहीं है। हम लोग कॉन्टीन्यूसली जो है DC साहब से प्लानिंग ऑफिसर से मांग कर रहे हैं कि 10 लाख रुपये हमारे रिलीज करे जाएं ताकि हम हर घर में ऑक्सीमीटर एटलीस्ट एक ऑक्सीमीटर एक थर्मल स्कैनर्स और पंचायतों को PPE किट्स क्योंकि डेथ्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं लोग वहाँ जा नहीं पा रहे किसी की डेथ्स और जलाना भी जो है क्योंकि आपको पता है हिमाचल प्रदेश में और पहाड़ी राज्य में जो शमशान घाट है उसके लिए टेढ़े-मेढ़े रास्ते हैं वो अपने अपने होते हैं सबके पास तो वहाँ जाना बड़ा मुश्किल है चार आदमियों के बस का काम नहीं है। PPE किट्स अवेलेबल नहीं है इसलिए बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो हर कहीं जो चिन्हित स्थान होते हैं उनके शमशान घाट के उसके अलावा और कहीं उनको बेचारों को दाह संस्कार करना पड़ता है। तो सरकार से मैं अपील भी करूँगा कि इमीडिएटली जो है इसका दिशा निर्देश निकालने हैं क्योंकि इसमें जो इसमें दिया है नोटिफिकेशन में वो डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू गवर्नमेंट और सर्टिफाइड हेल्थ एजेंसीज इन देयर ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो कोई हेल्थ एजेंसीज नहीं है। हेल्थ एजेंसीज केवल मात्र CMO शिमला है उनसे मेरी बात हुई है उनके पास केवल मास्क जो है वो अवेलेबल है और कोई सामान अवेलेबल नहीं है उनके रेट कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत चीज़ों के जो नहीं हुए हैं। मेरी हेड ऑफिस में रमेश चंद जी हैं उनसे भी बात हुई थी उनके पास भी जो है सामान जो है वो अवेलेबल नहीं। इस विषय पर DC शिमला आदित्य नेगी ने कहा कि इस अधिसूचना में कुछ विषय स्पष्ट नहीं है उन्हें सरकार के पास दोबारा भेजा जा रहा है। देखिए आज जो माननीय विधायक अनिरुद्ध जी ने एक मुद्दा उठाया है उसमें उन्होंने जानना चाहा है कि जो ये 17 मई की जो प्लानिंग की एक गाइडलाइंस है कि उसमें 10 लाख रुपये जो है विधायक जो है वो किन चीज़ों पर खर्च कर सकते हैं तो उसमें बेसिकली थोड़ी सी क्लैरिटी का अभाव है कि वो किस पे खर्च कर सकते हैं और किस तरह से खर्च कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जैसे मेडिकल के लिए जो एसेंशियल चीज़ें हैं जैसे आपका मास्क है ग्लव्स है या फेस शील्ड वगैरह है या सैनिटाइजर्स है और उसके अलावा जैसे एम्बुलेंस है या ऑक्सीजन के लिए जो ऑक्सीमीटर्स वगैरह या जो ऑक्सीजन प्लांट वगैरह लगाने का है तो उन चीज़ों पर अगर खर्च कर सकते हैं तो किस तरह से मतलब एग्जीक्यूटिंग एजेंसी कौन होगी और वो क्या तरीका फॉलो किया करेगी क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो MP-LAD होता है उसमें जो माननीय विधायक हैं वो बताते हैं कि उन्होंने जो है वो वर्क मतलब कौन से वर्क्स करवाने हैं उसमें और किस एजेंसी के थ्रू कराने हैं। तो अब एक्चुअली इसमें ऐसा है कि जैसे आपने अगर कोई चीज़ खरीदनी है जैसे हेल्थ से रिलेटेड कोई आपने मेडिकल डिवाइसेस खरीदने हैं लेटर से कि आपने वेंटिलेटर खरीदना है या आपने ऑक्सीमीटर्स खरीदने हैं या आपने जो है कॉन्सेंट्रेटर्स खरीदने तो ये सारी जो है बड़ी टेक्निकल डिवाइसेस होती हैं बेसिकली तो इसका एक हर चीज़ का एक अपना स्पेसिफिकेशन होता है और अगर आप उस स्पेसिफिकेशन के अलावा कोई और लेते हो तो हर डॉक्टर या हर जो स्टाफ है वो उसको ऑपरेट नहीं कर सकता तो इसमें इस तरह की कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही हैं कि उसमें एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है वो कौन होगी और वो क्या प्रक्रिया फॉलो करेगी क्योंकि इसमें एक इशू ये भी है कि जो हमारे जो गवर्नमेंट की जो प्रक्रिया होती है प्रोक्योरमेंट की उसमें जैसे हम टेंडर कॉल करते हैं तो उसमें आप 21 दिन का टाइम देते हो फिर उसके बाद जो है जो भी पार्टीज आती हैं फिर उसको उनका टेक्निकल बिड है वो देखा जाता है फाइनेंशियल बिड है वो खोला जाता है और उसमें काफ़ी टाइम लगता है तो थोड़ा ये इश्यूज़ भी हैं इसमें तो इसमें हमने ये निर्णय लिया है कि हम इसमें जो है सरकार से थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन लेंगे इस इशू के ऊपर
कि इसमें एक तो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी कौन होगी, स्पेसिफिकेशन कौन फाइनलाइज करेगा, और क्या उसमें जो है टेंडर की जो प्रक्रिया है क्या उसको शॉर्ट किया जा सकता है थोड़ा सा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।